मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। जब तुमने उसे नौकरी की इजाजत दी थी ना, मैंने तो तभी कह दिया था कि ये ठीक नहीं कर रही। अरे लड़की का पैर एक मर्तबा घर से बाहर निकला तो फिर नहीं रुकता। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप क्यों नहीं समझती? मुझ पे एतबार नहीं है आप तो मेरी माँ है ना, आपसे ज्यादा मुझे और कौन जानता है। अरे मुझे तो चुप करा लोगे तुम, लेकिन उन सब लोगों का क्या करोगे जिन सब ने देखा है 6 घंटे गुजार के आई है, कहाँ गुजार के आई है। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। अब देखो वासिल मुल्क छोड़कर चला गया। अगर नादिया ने इस रिश्ते से इनकार ना किया होता तो ऐसा नहीं होता ना। बस तो मुझे मजबूर नहीं करो, मुझे नहीं करनी उससे बात, नहीं करूंगी मैं उससे बात। अच्छा बाबा, आप रोई तो नहीं? भाभी मैं समझाऊंगी ना नादो को। यूं बिखरी हूं मैं, मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। ये क्या हुआ कि मुझसे ही क्यों अनजाना सब हुआ। ऐ खुदा तू ही बताना, हो गई क्या खता। अब सदा ये बस मेरी है बेवफा, वो क्यों मैं अब इस घर में रहकर सबको परेशान नहीं करना चाहती। अब किसी को मेरी शक्ल देखकर अजियत नहीं उठाना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ यहाँ से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। सोचने वाली क्या बात है, वो जो पर्पल वाला है ना उसके ऊपर बैक ब्लैक सीक्वेंस वाली बेल लगाओ, और वो जो क्रिस्टल वाले बटन नहीं आते वो अच्छा लगे। हाँ ठीक है, और तुम्हारी जो ब्लू शर्ट है ना उसके से येलो शलवार सिलवाओ, बहुत अच्छी लगेगी। आइडिया बुरा नहीं है। सही है ना। हाँ। अम्मी क्या हुआ आपको? हमारी जिंदगी अजाब बनाकर पूछती हो क्या हुआ? क्या किया है अच्छी भजिया ने? अरे दिन का सुकून और रातों की नींद तो हराम कर दी है इसने, और क्या करेगी। मैं, आप मेरी किस बात से परेशान हैं? तुम्हारी हरकतों की वजह से। बहुत अच्छा होता अगर मैंने तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता। अरे कम से कम हमारी जिंदगी तो सुकून से गुजर जाती। अरे नामुराद को छोटी बहन का ही ख्याल कर ले, तेरी वजह से इसके भी रिश्ते नहीं आएंगे। और रानी तुम दूर रहा करो इसके साए से भी, वरना ऐसी ही हो जाओगी। अम्मी क्या हो गया आज आपको? पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है इसकी सूरत में। या अल्लाह मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मेरे अल्लाह, पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। या अल्लाह हमारी जिंदगी के अजाब कम करते हैं, मेरे मालिक रहम करते हैं। Thank you.
रानी एक गिलास पानी तो पिला बेटा। मैं देख। रानी मिर्चें भून लेना, मैं अम्मी से खाने का पूछ के आती। अस्सलाम वालेकुम। अरे नाजी भाभी, कैसी हो सीमा? मैं ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। बैठी ना। भाभी है घर में? अम्मी तो लाहौर गई हैं, उनके बहनों ही हैं ना खुर्शीद अंकल, उनका इंतकाल हो गया है। हाँ मुझे पता चला था, उसी की ताजियत के लिए आई हूँ। बहुत खुश मिजाज इंसान थे बेचारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान थे वो। बेचारी हाजरा खाला बहुत तन्हा हो गई हैं, बहुत ख्याल रखते थे वो उनका। वो आए थे पिछले साल यहाँ पे, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। बहुत ही खुश इखलाक इंसान थे वो। ऐसे इंसान ना दुनिया में बहुत कम होते हैं जो दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं। उनके लिए दूसरों की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा अहमियत रखती है, जैसे साली और बेगम साहिबा। खैर तुम सुनाओ, कैसी तबीयत है? काफी फ्रेश लग रही हो। भाभी मौका तो ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अम्मी के जाने से बहुत सुकून में हूँ। भाभी बहुत टेंस भी तो करती हैं तुम्हें, पता नहीं क्यों ऐसी तबीयत है उनकी। नाजी भाभी हमारे बड़े हमारे साथ ऐसा क्यों सलूक नहीं रखते कि हमें भी उनकी गैर मौजूदगी का एहसास हो, उदास हो, हम भी उन्हें याद करें। मुझे जितनी खुशी है ना उनके जाने पे, उतना ही अफसोस हो रहा है कि मुझे उनके जाने पे इतनी खुशी क्यों है। अब आपको ही देख लें, आप और अम्मा भी तो हैं ना, एक दूसरे से लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे में कहीं ना कहीं प्यार छलकता है। काश सारे बड़े बुजुर्ग इस बात को समझ लें, मकाम बना ले अपना। मगर कुछ लोग जैसे वो है ना, जिंदगी भर वैसे ही रहना चाहते हैं। बल्कि मौका अच्छा है, कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाओ। भाभी सोचा तो मैंने भी यही था कि कुछ दिन जाऊंगी अपने घर में सुकून से रहूंगी, लेकिन फिर इस घर की भी तो इतनी जिम्मेदारी है मेरे पे। और मैं अभी सोच ही रही थी कि सलीम को कॉल करूंगी, उससे खूब सारी बातें करूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, नहीं तो अम्मा शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को सर पे बिठा लेंगी। भाभी चाय पी के जाइएगा फिर कभी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी वो मैं आपके लिए खाना ले आऊं? तुमसे किसने कहा है कि मेरे लिए खाना लेकर आओ? मुझसे बात मत किया करो, खामखा मेरा खून जलाती रहती हो। जाओ यहां से। रानी खाना ले आ मेरे लिए। हाँ बेटा, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हैं? हाँ जरा दिल घबरा रहा है मेरा। आप भी तो हर वक्त घर में बंद रहती हैं ना, बाहर निकल जाया करें। नाजी आंटी के यहाँ चली जाया करें, थोड़ा माहौल बदलेगा, थोड़ी तबीयत बेहतर होगी। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, अम्मा भी बहुत याद आ रही हैं, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। क्या कहती होंगी कि मैं उनको पूछती नहीं। अरे हाँ, बिजली का बिल जमा करा दिया है तुमने? जी अम्मी, करवा दिया था, आपकी ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था, आप नमाज पढ़ रही थी उस वक्त। बहुत अच्छा किया, पता है आज आखिरी तारीख थी।
अच्छा चलो मैं हो आती हूँ नाजिया के घर, जाओ जरा चादर ला दो मेरे अंदर। अच्छा आ भी जाओ बेटा। जल्दी आ जाऊंगी मैं, ठीक है? जी। नादिया क्या हुआ? तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों साए की तरह पीछे पड़े रहते हो मेरे? अरे क्या बात कर रही हो, ये तो सिर्फ इत्तफाक था। ये इत्तफाक तभी क्यों होता है जब मैं किसी काम से छत पर आती हूँ? ना तो क्या हो गया, गुस्सा क्यों हो रही है? पागल हो गई हूँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, जिंदगी अजाब बन गई है मेरे लिए। हर हर लम्हा अपनी माँ की सलवाते सुनती रोती हूँ, और ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ। ना जाने कौन सा जहर खोल गई हूँ मेरी माँ के काम। मुझे कोई तो पता है कसूर था क्या मेरा? हाँ रास्ता भूल गई थी, देर हो गई थी मुझे बस। नादो मैं समझता हूँ, जानता हूँ मैं। तो फिर ये भी जान लो कि अगर इत्तफाक से तुम्हारी अम्मी सब छत पर आ गई और तुम्हें यूं अकेला मुझसे बात करते हुए देख लिया ना, तो ना जाने और क्या क्या इल्जाम धरेंगी वो मुझ पर। नादो मैं शर्मिंदा हूँ अम्मी की हुई बातों को, मैंने तो उस दिन उनसे झगड़ा भी किया था इस बात को। नादो माफ कर दो मुझे, और मेरी खातिर अपनी अम्मी से लड़ने की आपको कतई कोई जरूरत नहीं। राहिला बहन कैसी हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र, तुम बताओ कैसी हो? कैसी हो बहन, ठीक हो? आओ अंदर आओ। बहन बहुत अफसोस हुआ, हमने नादिया के बारे में सुना, मगर इत्मीनान भी हुआ कि घर वापस आ गई। छोड़ो जी कैसा इत्मीनान, जवान लड़की घर से गायब रही है और फिर वो अचानक से आ जाए, और किसी को क्या मालूम कि इतना वक्त उसने किसके साथ गुजारा होगा और कैसे गुजारा होगा। माँ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जाहिर है बचपन से लेके जवानी तक उसको पाल पोस के इतना बड़ा करती है, अब पे जवान होके लड़की ऐसा कर गुजरे, तोबा तोबा, माँ तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। वैसे रायला बहन अब आप उस पर नजर रखिएगा, ना घर में अकेला छोड़िएगा और ना बाहर अकेला जाने दीजिएगा। ठीक कह रही हो सलीमा बहन, चलो अब हम चलते हैं। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्यों गई थी छत पर? नहीं वो कपड़े उतारने गई थी ऊपर से। ज्यादा बहानेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम छत पर क्या करने जाती हो। क्या हो क्या आपको अम्मी, क्या मुझे इतनी भी आजादी नहीं है कि अपने घर के किसी कोने किसी जगह पर खुद चली जाऊँ? और कितनी आजादी चाहिए तुम्हें, काम करने की आजादी, नौकरी पे जाने की आजादी, बाहर जाने की आजादी है, अपने फैसले खुद करने की आजादी, क्या चाहती हो आखिर तुम? क्या है मैंने बता तो दे। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा ना अम्मी बस भी करें। चुप करो तुम, आज फैसला करने दो मुझे। हाँ तो कर देना फैसला, आज ही करें फैसला, मार देना मुझे जान से आप। क्या हो गया ये, क्यों शोर मचा रहे हो आप लोग? अम्मी नादिया क्या बदतमीजी है? हाँ हाँ बदतमीज मैं ही हूँ ना, बहुत सब पे मैं हूँ, बदकिरदार मैं हूँ, इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहे, बताते नहीं कि मेरा जुर्म क्या है। अच्छा सारे मोहल्ले में हमारी बदनामी करके पूछती हो मेरा जुर्म क्या है, तरह तरह की बातें बना रहे हैं लोग। तो किस चीज का इंतजार है, दे देना जहर मुझे। अरे अगर इतनी शर्म है तो खुद ही जहर खा के क्यों नहीं मर जाती, जान छूट जाए मेरी, सारे अजाब हट जाए मेरी जिंदगी पे से। हटो यहाँ से। नहीं, क्या हो गया आपको? किस बात की सजा दे रही है मुसलसल, बात बात पर डांटती, कसूर क्या उसका, जो लोग कहते हैं मान लेती। Thank you.
नहीं भाई कुछ पता चला आपको? अच्छा बच्चा ने कुछ खुशी कर ली है। क्या बकवास कर रहे हो, जो मुंह में आता है बोल देते हो। सच में नहीं भाई। कहाँ है वो? अफान और नुमान भाई उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। चलो मेरे साथ। कुछ नहीं होगा अच्छी बजा, नागो अच्छी बजा, कुछ नहीं होगा आपको। यहाँ क्या खोलो ना, क्या अच्छी हटो सामने से, रास्ता दो। अरे मेरे अल्लाह, अरे ना दो, क्यों किया तूने ऐसा? मेरी नादों को कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकूंगी। हौसला रखे राहिला भाभी, दुआ करें, दुआ में बड़ी ताकत होती है। अरे मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी, ले जा मुझे उसके पास, कोई तो ले जाए। रानी तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो, अगर तुम कमजोर पड़ गई तो भाभी को कौन संभालेगा? अरे नादों का पता नहीं कितना खून बह गया होगा, या अल्लाह मेरी बच्ची पे रहम कर दे। भाभी, रानी जाओ भाभी के लिए पानी लेकर आओ। अरे नादो, अल्लाह की जात पे उम्मीद रखें भाभी, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो है ना? नादिया कैसी? कुछ बता देना डॉक्टर, कह रहे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई। पर उसने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ था? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, बस इतना पता है कि अगर कुछ हो गया ना अच्छी वजह, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। फान, क्या कर रहे हो? होश से काम लेने का टाइम है, जोश से नहीं। बस दुआ करो ठीक हो जाए, फिजूल बातें करने की जरूरत नहीं।